हेलो दोस्तों, 10 रुपया की कॉइन लेकर मार्केट में जो कन्फ्यूशन और परेशानी है उसे ही मैं आज दूर करूंगा। मैं आज दिखा दूंगा 100% प्रूफ के साथ कि 10 रुपया की जो दो डिज़ाइन की कॉइन मेरे अब हाथ में है, ये जो मार्केट में अवेलेबल है, ये दोनों ही कॉइन लीगल है, दोनों ही ओरिजिनल है, दोनों ही वैलिड है और इन दोनों कॉइन पर कोई भी बैन जारी नहीं हुआ है। तो सबसे पहले आप ये दो कॉइन को अच्छा तरीके से देखिए। देखिए, ये 10 रुपया का दो डिज़ाइन है, ऊपर से एक ही दिखता है, पर इस कॉइन में 10 बड़ा है और कोई रुपया साइन नहीं है। इस कॉइन में 10 छोटा है, दो मेटल के बीचों बीच है और इसमें रुपया साइन है। यहाँ पे जो लाइन से ये 15 है और यहाँ पे इस कॉइन में 10 है। पीछे देखिए, इस कॉइन में एक सॉरी दो लाइन से जो इसमें नहीं है और इस पे इसका साल देखिए 2009 और इसका देखिए 2011। तो एक्चुअली ये 10 रुपया का जस्ट दो डिज़ाइन से ये दोनों ही वैलिड है। दो अलग अलग टाइम टाइम पे अलग अलग डिज़ाइन ये मैन्युफैक्चर हुआ है। और ये 2011 के बाद जो कॉइन आया है वो एक ही डिज़ाइन का है। देखिए, ये कॉइन सेम है। ये देखिए, इसका ये 2016 का है, ये भी सेम है। ये 2015 का है और ये भी सेम है, ये है 2014 का। तो ये डिज़ाइन पहली बार आया था 2011 में और ये 2009 पे आया था। ठीक है, तो अब चलिए मैं आपको प्रूफ दिखाता हूँ कि दोनों डिज़ाइन ही ओरिजिनल है, दोनों ही वैलिड है। जहाँ भी इसे एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है उन पर लीगल स्टेप्स उठाया जा सकता है। तो एनीवे, चलिए प्रूफ देखते हैं। ये देखिए, मैं RBI की होम पेज पे हूँ, rbi.org.in। तो यहाँ पे इश्यूअर ऑफ करेंसी, यहाँ से प्रेस रिलीज में जा रही हूँ। यहाँ पे देखिए, मेरा जो कॉइन था 2009 का, मैं 2009 का प्रेस रिलीज में जा रहा हूँ। 2009 पे ऑल मंथ्स, यहाँ पे देखिए, ये जो है मेरा वाला जो कॉइन था उसके लिए ये नोटिफिकेशन दिया गया था, न्यू कॉइन्स ऑफ ₹10 बायमेटालिक। ठीक है, तो ये वाला जो कॉइन था ये मैंने अभी कुछ देर पहले दिखाया है। तो ये देखिए, इसे मैं इस फाइल को, इस पेज को ओपन कर रहा हूँ। ये देखिए, इसका डिटेल्स है यहाँ पर। अब इसका जो डिज़ाइन पे देखिए, ओवर्स एंड रिवर्स दो साइड। ओवर्स पे देखिए, दिस फेस ऑफ द कॉइन इज डिवाइडेड इनटू थ्री पोर्शंस विथ टू हॉरिजॉन्टल लाइंस। अब देखिए, ये कॉइन देखिए, थ्री पार्ट्स विथ टू हॉरिजॉन्टल लाइन्स। द सेंटर पोर्सन शैल बी एट द लायन कैपिटल ऑफ अशोका पिलर विद द लीजेंड सत्यमेव जयते इंस्क्राइब बिलो बिलो। ये देखिए, ये जो लायन कैपिटल, उसके नीचे सत्यमेव जयते। द टॉप पर्सन कंटेन्स द वर्ड भारत इन हिंदी एंड इंडिया इन इंग्लिश। द बॉटम पर्सन कंटेन्स द ईआर इन इंटरनेशनल न्यूमरल्स। ये देखिए, भारत, इंडिया एंड 2009। और रिवर्स देखिए, इन द अपर पेरिफेरी द आउटवर्ड रेडिएटिंग पैटर्न डिपिक्ट्स ग्रोथ एंड कनेक्टिविटी। ये जो रेडिएटिंग पैटर्न से ये ग्रोथ एंड कनेक्टिविटी का साइन है। इस पे कोई नंबर्स का कोई उल्लेख नहीं है यहाँ पे, देखिए। ठीक है, इन द सेंटर देयर शैल बी डिनोमिनेशनल वैल्यू 10 इन इंटरनेशनल न्यूमरल्स एंड इन लोअर पेरिफेरी द वर्ड रूप पे इन हिंदी एंड द वर्ड रुपीज इन इंग्लिश। देखिए, ये 10
रुपए एंड रुपीस. द न्यू कॉइन टेन, द न्यू रुपी टेन कॉइन इज लीगल टेन दैट हैज प्रोवाइडेड इन द इंडियन कॉइनेज एक्ट 1906. तो देख लिया आपने, तो इसका पूरा डिस्क्रिप्शन उस पर आता है, ये एकदम पूरी तरह से लीगल है. फिर ठीक है, अब मेरा जो दूसरा कॉइन था 2011 का, या फिर उसके बाद भी जो आया है, मेरे 2011 में ही जा रहा हूँ, तो देखिए 2011 नोटिफिकेशन में जा रहा हूँ, ऑल मंथ्स. यहाँ पे देखिए एक है ये इश्यू ऑफ न्यू सीरीज ऑफ कॉइन्स. ओके, तो चलिए यहाँ चलते हैं. यह देखिए 50 पैसे, ये तरह तरह के कॉइन्स है, फिर 10 रुपीज़ भी एक है. अब उसका डिज़ाइन पे देखिए 10 रुपीज़, ठीक है. ये मेरा जो फोटो है ये वाला फोटो 2011 का. देखिए द फेस ऑफ द कॉइन शैल बियर द लायन कैपिटल ऑफ अशोका पिलर विद द लीजेंड सत्यमेव जयते इंस्क्राइब बिलो. ठीक है, ये देखिए लायन कैपिटल विद सत्यमेव जयते फ्लैंक्ड ऑन द लेफ्ट पेरिफेरी विद द वर्ड भारत इन हिंदी एंड ऑन द राइट पेरिफेरी द वर्ड इंडिया. लेफ्ट में भारत, राइट में इंडिया. ओके, द बॉटम पोर्शन कॉन्टेंस द ईयर इन इंटरनेशनल न्यूमरल्स. देखिए एकदम पूरी तरीके से सही. और ये सामने वाला देखिए, इन द अपर पेरिफेरी 10 नंबर्स आउट आर रेडिएटिंग पैटर्न्स डिविड ग्रोथ एंड कनेक्टिविटी. ये देखिए अब ये नंबर्स का एक उल्लेख किया गया कि 10 नंबर्स का हो गया, इसे चेंज कर दिया गया. ये डिज़ाइन चेंज है, ये कोई नकली या असली के बात नहीं है, ये 2011 में एक डिज़ाइन चेंज है. जस्ट पहले ये 15 था, फिर 2011 में ये 10 की कर दिया गया. तो बाकी देखिए, इन द सेंटर इट शैल बी एट द रूपी सिंबल एंड द लोअर पेरिफेरी कॉन्टेंस डिनोमिनेशनल वैल्यू 10 इन इंटरनेशनल न्यूमरल्स. देखिए रूपी एंड 10, दैट्स ऑल. तो मैंने प्रूफ कर दिया कि ये दोनों कॉइन, ये और ये दोनों कॉइन एकदम पूरे ओरिजिनल है और वैलिड है. ठीक है, एक्चुअली ये जो एक अगवा जो फैला था वो सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हुआ था, वो उसका भी कुछ इमेज देखते हैं. चलिए गूगल, फेक. ये देखिए ये सोशल न्यूज में ही, ये सोशल नेटवर्क में ये फैला है, ये जो फेक न्यूज है इसका कोई वैलिड. ये देखिए असली सिक्का, नकली सिक्का, या पे पूछिए रियल फेक, ऐसा न्यूज सोशल मीडिया से ही उसके लिए फैला है, इसका कोई वैलिडिटी नहीं है. और दोनों सिक्का ही, दोनों कॉइन ही ओरिजिनल है, आप निश्चिंत होकर इसे ले सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं. तो आज के लिए इतना ही. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए ताकि फ्यूचर की वीडियो आपको मिल सके. टाटा, फिर मिलेंगे.